हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं बीफ कोफ्ते आलू का सालन। और मैंने अपना ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। यहाँ पे मैं अपने चॉपर में जो है गोश्त, अदरक लहसुन और प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और दूध में भिगोई हुई डबल रोटी के दो स्लाइसेस मैंने डाल दिए हैं। गोश्त तकरीबन मेरे पास आधा किलो से ऊपर ही होगा और इसको मैं चॉपर में डाल के चॉप करूँगी। यहाँ पे मैं अपने मसालों में नमक हसबे जायका, लाल मिर्ची आधी चमची, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। मैंने इसमें आधी चमची से थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि मैं सालन में भी नमक यूज़ करूँगी, तो उसको इस तरह से मैंने डाला है। और अब मैं जो हूँ इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी बिल्कुल फ़ाइन। मैंने यहाँ गोश्त यूज़ किया है जिसको मैं फाइनली चॉप करके कीमा कर लूँगी। और ये देख रहे होंगे आप, ये इस तरह से हो गया। इसमें मैं एक चमची ऑयल डाल के और एक अंडा तोड़ के डाल के मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि थोड़ा सा बाइंडिंग पोजीशन पे आ जाए। और फिर मैं इसके कोफ्ते शेप देकर फ्राइंग के प्रोसेस में डालूँगी। यहाँ पे मैं अपनी प्याज ब्राउन कर रही हूँ अपनी कढ़ी के लिए। ये कुछ आलू हैं जिनको मैं अभी काट के अपने सालन में ऐड करूँगी। इनकी शेप आप देखिएगा कि मैं किस शेप में इसको कट करूँगी। यहाँ पर मेरी प्याज ब्राउन हो गई है। इसमें मैं साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। मैं अपने हर खाने में साबुत ज़ीरा ज़रूर ऐड करती हूँ, मेरे घर वालों को पसंद है। ये मैंने आलू कट कर लिए हैं इस शेप में। ये शेप थोड़ी सी अच्छी लगती है कोफ्तों के साथ। वैसे आप अगर किसी और शेप में कट करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। मैं जब आलू गोश्त बनाती हूँ तभी मैं अपने आलू इसी शेप में कट करती हूँ। आई जस्ट लाइक दिस वे। आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने आलू को किस शेप में कट करना चाहते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी। इसके बाद जो है भुनाई करते हुए ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक, हसबे जायका रख सकते हैं आप अपनी मुताबिक, थोड़ी सी हल्दी आधी चमची के बराबर, पिसा हुआ धनिया, ये मैंने डाल के हमें इसकी भुनाई करनी है। हम एक ज़बरदस्ती मसालेदार सी कढ़ी तैयार कर रहे हैं जो कि हमारे कोफ्तों को कॉम्प्लीमेंट करे। और बहुत ज़बरदस्ती कढ़ी है ये, आप ट्राई कीजिएगा, अपने मेहमानों के लिए ट्राई करें। बहुत ही जल्दी सी बन जाती है और बहुत मज़े की होती है, बहुत प्रेजेंटेबल भी होती है। जब मसाला आपका तेल छोड़ने लगे तो आपने इसमें टोमेटो जूस ऐड कर देना है। आपकी मर्ज़ी, आप छिलके उतार के इसको पीस लें थोड़े से पानी के साथ या फिर आप छिलकों के साथ पीस लें। मैं छिलके उतार के पीसती हूँ। मैंने यहाँ पे दो से तीन टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के। इसके बाद मैंने इसमें एक चमची भर के टोमेटो पेस्ट ऐड कर दिया है। ये थोड़ा सा कलर ऐड करता है कढ़ी में और थोड़ा सा इसको मज़ीद एक थिकनेस ही देता है जो कि अच्छी लगती है कोफ्तों के सालन में। हर किसी का तरीका डिफरेंट होता है। इट्स नॉट अ प्रोफेशनल कुकिंग चैनल, इट्स द वे आई कुक माई फूड एट होम। सो दिस इज़ माई रेसिपीज़ ओरिजिनल जो कि मैं बनाती हूँ और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर योर कमेंट्स। और यहाँ पे इसकी अच्छी सी बनाई करनी है आपने। यहाँ पे मेरे बीफ के कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं, मैं कोफ्ते फ्राई करके कढ़ी में डालती हूँ। इट्स माई वे। आपकी मर्ज़ी है, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं अपने कोफ्तों को, पर ये मेरा तरीका है। मैं इनको हल्के से गोल्डन फ्राई करके लाइट ब्राउन से फिर इनको अपने कढ़ी में डालती हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे, इससे बड़ा अच्छा सा कलर एक आ जाता है कोफ्तों में और मुझे नहीं पता पर बहुत अच्छा सा लगता है मुझे डायरेक्ट कोफ्ते कढ़ी में डालना। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है पर डजेंट मैटर। अगर आप खाना अपने घर वालों के लिए बना रहे हैं तो दिल से बनाएं, थोड़ा अच्छे से मेहनत करके बनाएं, खाना बड़ा ज़बरदस्त बनता है। और यहाँ पर मेरी कढ़ी साथ चढ़ी हुई है, मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। ये आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। और यहाँ पे मेरा मसाला भी इतना ज़बरदस्त सा हो गया, ये देखें कितना। साइडों से ऑयल जब छोड़ने लग जाए आपकी कढ़ी तो इसका मतलब आपका मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो ये टाइम है कि आप इसमें जो है मज़ीद अपनी बकाया मसाले ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने अपना पिसा ज़ीरा ऐड किया है एक चमची और छोटी चमची मैंने डाली है इसमें, आप अपने मुताबिक भी डाल सकते हैं। मैं इसकी मज़ीद भुनाई कर रही हूँ, ये आप देख रहे होंगे। मैंने यहाँ पे अभी तक कोई भी पानी एक्स्ट्रा वाटर यूज़ नहीं किया है, ये सब इसी में ही पक रहा है। दरमियानी आंच पे आपने इसकी भुनाई करनी है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है आपने। ये आप देख रहे होंगे कि मसाले ने तेल छोड़ दिया है हर जगह से। और अब मैं इसमें अपने कोफ्ते ऐड कर दूँगी। ये आप देख रहे होंगे मैंने कोफ्ते अपनी कढ़ी में ऐड कर चुकी हूँ और ये सारा मीडियम आँच में पक रहा है। इसमें मैंने आधा ग्लास पानी ऐड कर दिया है और इसको मैं दम पे धीमी आँच पे पकने दूँगी। आप ढक भी सकते हैं, आप ओपन भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी गार्निशिंग का सामान ऐड कर दिया है, मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है। आप बारीक कट करके भी हरा धनिया डाल सकते हैं पर मेरे घर में इसी तरह से खाया जाता है, हम लोग साबुत हरा धनिया ही डालते हैं गार्निशिंग में। सो डिपेंड ऑन योर चॉइस। यहाँ पे मैं इसको डाल के और इसमें गरम मसाला एक डेढ़ चुक्की चुक्की बराबर डाल के मैं इसको ढक के रख दूँगी दम पर। और ये आप देख रहे होंगे कि कितना ज़बरदस्त सा ये गरम गरम सा खाना तैयार हुआ है। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त होता है टेस्ट में। आप इसमें लीमू ऐड कर सकते हैं, आप इसमें जो है रायते सैलड बना के चावलों के साथ इसको लें, कुलचों के साथ लें, बहुत ज़बरदस्त है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।